जय साथियों, साथियों फिजिकल वाला गांधी मैदान पटना, पूरे बिहार का मात्र एक संस्थान फिजिकल वाला गांधी मैदान पटना के टीम है, जहां फिजिकल की तैयारी गारंटी के साथ कराई जाती है। साथियों देख सकते हैं बिहार पुलिस 8415 में हमारी टीम, हमारे संस्थान ने कितने रिजल्ट दिए। साथ ही साथ देख सकते हैं बिहार पुलिस फायरमैन में हमारे संस्थान ने कितना रिजल्ट दिया। साथ ही साथ मद निषेध आया, इसमें कितना रिजल्ट दिया। साथ ही साथ हाल फिलहाल बिहार दरोगा 1275 का फिजिकल हुआ, इसमें हमारी टीम, हमारे संस्थान ने कितना रिजल्ट दिया। और साथ ही साथ मैं एक बात का और आपको जानकारी दे दूं कि बिहार पुलिस 21391 के लिए स्पेशल बैच चलाया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा। इस बैच में जो भी अभ्यर्थी आते हैं उनका फिजिकल की तैयारी कराने की पूरी जिम्मेदारी फिजिकल वाला गांधी मैदान पटना की टीम की है। मेरिट में आपको छटने नहीं देंगे, इसका मैं दावा करता हूँ। तो जो भी अभ्यर्थी गर्ल्स हो या बॉयज हो, जल्द से जल्द हमारी टीम हमारी संस्थान में जुड़ सकते हैं। हमारा पता है गांधी मैदान 1 नंबर गेट। साथ ही साथ आज हम चर्च करेंगे खास करके स्पेशल महिला अभ्यर्थी जो बिहार पुलिस 21391 किया है, इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो जैसे कि हमारी टीम हमारे संस्थान के एक महिला जो कि एग्जाम देकर के आई है, और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कट ऑफ रहने वाला है, कितना क्वेश्चन सही करके आई है, सारी बात डिटेल से जानते हैं कि उनका क्या रिव्यू है, सारा चीज उनसे जानते हैं। चलो आओ जी इधर आओ। सबसे पहले तुम्हें बताओ कि तुम कितने क्वेश्चन सही करके आई हो। 62+ क्वेश्चन सही करके आई है, और बाकी तो 100 में 100 क्वेश्चन बनाई हो, लेकिन 62 को जो कंफर्म है। और तुम्हारा कैटेगरी क्या है? OBC है। तो जो भी गर्ल्स तुम्हारे अगल बगल बाजू में बैठे होंगे तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर तुम देखी होगी, तो ये बताओ कि वो लोग का कॉपी वो लोग कितना बनाई थी क्वेश्चन आसपास से बनाई थी सब, लेकिन बाहर निकलने के बाद कुछ तो बताए होगी कि मेरा इतना सही है इतना गलत है, ये सब कुछ तो चर्चती होगी, तो कुछ बताओ कि कितना वो लोग बनाई है, कितना का आसपास? 50+ ही था। और एबसेंट ज्यादा था या कम था? गर्ल्स में एबसेंट ज्यादा था। तो तुम तो हमारी टीम में बहुत दिन से ट्रेनिंग कर रही हो, तो जो भी गर्ल्स हमारी टीम हमारे संस्थान में जोड़कर फिजिकल की तैयारी करना चाहती है उसके लिए मेरा टीम कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, थोड़ा जोर से बोलो। बहुत अच्छा रहेगा सर। हाँ, तो जो भी गर्ल्स एवं बॉयज है जो भी फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं खास करके, तो जल्द से जल्द हमारी टीम में जुड़ सकते हैं। और मैं खास करके लड़की का कटअप बताऊंगा कि बिहार पुलिस महिला अभ्यर्थी इनका क्या कटअप रहने वाला है। तो खास करके मैं बता दूं ऑल कैटेगरी जिनका भी 40 से लेकर के 45 के बीच आ रहा है, सही क्वेश्चन है 40 से 45 के बीच जिनका भी सही हो रहा है, बाकी 100 में से 100 बना दिए हैं, तो उनका रिजल्ट 100% कन्फर्म है 40 से 45 के बीच ऑल कैटेगरी। और खास करके जनरल जिनका भी 45+ है, वही 47, 48, 50 के आसपास जिनका भी जनरल का मैं बता रहा हूँ 50 रहेगा। और ऑल कैटेगरी जो भी गर्ल्स एवं है 40 से 45 के बीच जिनका भी मार्क्स आ रहा है, जल्द से जल्द ग्राउंड पकड़ ले और फिजिकल की तैयारी करें, बिहार पुलिस में आपका रिजल्ट 100% बनेगा। तो जो भी गर्ल्स जिनसे अच्छे से तरीके से तैयारी नहीं हो रहा तो जल्द से जल्द हमारी टीम हमारे संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पता है गांधी मैदान 1 नंबर गेट। हमारी टीम में गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल दोनों हॉस्टल की सुविधाएं उपलब्ध है। साथ ही साथ SSCGD का फिजिकल की तैयारी करना जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद साथियों। साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं SSCGD के लिए बेस्ट बुक के बारे में। साथियों हमने बहुत सारे प्रकाशन का बुक देखा, उसके बाद हमने ये चक्षु पब्लिकेशन का बुक देखा। ये बुक देखने के बाद लगा कि हम अपने भाई को बताएं, हमारे भाई भी एक बुक लेकर के पढ़ेंगे तो उनका भी रिजल्ट 100% बनेंगे, क्योंकि पिछले बार भी हमारी टीम हमारे संस्थान में जितने भी अभ्यर्थी थे सबको मैंने चक्षु पब्लिकेशन का बुक पढ़ाया, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सबका रिजल्ट हुआ और अभी वो लोग फिजिकल की तैयारी में लगे हुए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी SSCGD का रिटर्न की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ये बुक लेकर के पढ़े तो उनका रिजल्ट 100% बनेगा। इस बुक का खासियत क्या है? इस बुक का खासियत यह है ना, जितने भी सब्जेक्ट से SSCGD पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन का संग्रह इस बुक में है। जो भी अभ्यर्थी SSCGD का रिटर्न का तैयारी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द बुक लें और अपना तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि अगस्त के लास्ट वीक में फॉर्म भराने की पूरी संभावना है। जय हिंद।